मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने शुक्रवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान प्रभारी जिलाधिकारी CDO इंद्रजीत सिंह, निदेशक एम्स डॉक्टर सुरेखा किशोर, संयुक्त विकास आयुक्त एवं कार्यदायी संस्था हाइट्स तथा L&T के अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के पश्चात मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने संबंधित अधिकारी के साथ एम्स के मीटिंग हॉल में बैठक किया और निर्देश दिए कि मजदूरों की संख्या को बढ़ाकर कार्य को तेजी से पूरा कराया जाए। एम्स के निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद इसके संपूर्ण संचालन से न केवल गोरखपुर बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगी। मंडलायुक्त ने कहा कि एम्स के द्वितीय चरण का काम समय से पूरा करके एम्स प्रशासन को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने हाइट्स के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी कार्यों का पाक्षिक चार्ट बनाकर उपलब्ध करावें। मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने कई कार्यों के विलंब पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कार्य में तेजी लाने तथा गुणवत्ता की जांच थर्ड पार्टी राइट्स के द्वारा समय समय पर कराने के निर्देश दिए। इस दौरान मंडलायुक्त ने 300 बेडेड निर्माणाधीन वार्ड का भी निरीक्षण किया, कार्यों की गुणवत्ता का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ओपीडी सर्विसेज बाकी जगह नहीं चल रही है। पहले सर हमने 60 पर कंसर टेस्ट किया था, लेटर ओपीडी सर्विसेज बाकी जगह नहीं चल रही है। पहले सर हमने 60 पर कंसर टेस्ट किया था, लेटर कुछ